श्री सराना, आज फिर हूँ कि तुम्हार जौने एक नया कहानी लेके आए गए हों। हम जा कार्यक्रम अच्छी सोच हरेक शुक्रवार के 7 बजे से तुम्हार जौने आए जाओ करो करते हैं एक नया कहानी लेके। तो ऐसी करके जा कहानी अथवा जा कार्यक्रम अच्छी सोच तुमके कैसे लगता है, का लगता है, सलाह सुझाव देन के फिर जिन भूलियाओ, काहे कि तुम्हार साथ और सहयोग से जा कार्यक्रम के हम आगू बढ़ा पाएंगे, जा कार्यक्रम के निरंतरता दे पाएंगे। जा कार्यक्रम अच्छी सोच आदमी के जीवन में परिवर्तन लान के तानी अथवा आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आवे करके हम जा कार्यक्रम को शुरुआत करे हैं। आदमी की जिंदगी में दुई सोच होते हैं, एक अच्छी एक खराब। तो आपन की कौन सी सोच लेके आगू बढ़न के है और कौन सी सोच लेके आगू बढ़ेंगे तो आपन की जिंदगी सफल हुई है, वो आपन के सोचन है। तब हमारे लेके आए हैं कार्यक्रम अच्छी सोच। प्राविधिक में साथ देन डटे हैं हरिद्वारी जी, मैं तुम्हार जौने आरजे श्रीसा, और ऐसे करके आज हम तुम्हार जौने एक नया कहानी शुरुआत करेंगे। नया कहानी शुरुआत करने से पहले देखो ना, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत अच्छे से अपन घरे बैठ के कुछ भी चीज़ करत हो बो तारा जिंदगी में अग्गू बढ़न के तानी अथवा कुछ लक्ष्य तुम्हार मिल जाए अथवा हासिल कर डारो, वो हिसाब से तुम जब लॉकडाउन को फायदा लेते हुई हो करके फिर विश्वास है। ज़्यादा बात ना करता है, कहानी शुरुआत करता हूँ। कहानी से फिर तुम्हार जिंदगी में कुछ सोच में परिवर्तन आवेगो करके फिर विश्वास है। जही विश्वास के संग कहानी ऐसे शुरू करते हैं। एक गांव की बात है, एक गांव में नजीक है पहाड़ रहे, वो पहाड़ में एक आदमी रोज दिन सवेरे जाओ करो करते रहे बैठन के अथवा हुआ परन बैठ के आनंद लेते रहे। ऐसे क्रम में वो हरेक दिन जात है सवेरे के पहाड़ में। एक दिन वो को छोटो सो बच्चा जान पेती डगर में बुक हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि बाबा महू जे हूँ तिरसंग पहाड़ की चोटी में। तो बुक दौआ बहुत समझात है, कहते हैं भैया तैना जा, पहाड़ बहुत ऊंचो है अथवा वो पहाड़ जान पेती डगर में बहुत ही समस्या पड़त है, छोटी डगर है, इते खल्ला है उते खल्ला है, बीच में पतरी सी डगर है, वो डगर में तैना नेंग पह करके बुक दौआ कहते हैं। तारा वो बच्चा ना मानते हैं, कहते मैं जय हूँ जरूर जय हो करके कहा था और अपन दौआ की हाथ पकड़ लेते हैं। बगदौआ फिर वो के ले जान के मंजूर हो जाता है, अपन बच्चा की हाथ बहुत जोर से पकड़ के पहाड़ में ले चलो जाता है। जात जात हैं डगर में एक पत्थर पड़ता है, वो पत्थर देख के बगदौआ तो साइट हो जाता है, काहे कि बगदौआ के पता रहे कि जा डगर में हीनापरण पत्थर पड़ो करते है करके। तारा बुक लौड़ा के ना पता रहे, काहे कि वो शुरू दिन गौर है। बुक लौड़ा वो पत्थर से क्या कहते हैं टकराया जात है और गिर जात है और बहुत जोर से आवाज़ निकालत है, आया करके आवाज़ निकालत है। तो वह आवाज़ फिर के घूम के आत है, वह कान में पड़ता है, तो वो लौड़ा डरा जात है, कहते हैं कि जा आवाज़ कहाँ से आओ, कोई यहाँ है कि आसपास करके वो सोचल लागत है। तो वो हुआ परन बहुत डराए के कहा था कौन है करके कहा था, फिर आवाज़ आता है, फिर के वो डराए जाता है, फिर के आवाज़ करता है कौन है तो कि मैं छोड़ेंगो ना करके कहा था। गजब गुस्साए के वो आवाज़ फिर बह के जौने गुजर लागत है, अपन दौआ से कहा था यहाँ हुई कार हो है करके कहा था। बगदौआ बूझ जाता है कि हीना परन का कहते हैं का होता है करके, बगदौआ तक बूझन वालो रहे कहे कि वो बच्चा तो ना जानत रहे। बगदौआ कहा था मैं तो के बहुत दुलार करता हूँ, वो सोचल लागत है कि मुँह से जा कहा मुँह से गुस्सा हुई के मस्कत है और मेरे दौआ से इतनो प्यार से कहन डटो है कि मैं तो के दुलार करता हूँ प्यार करता हूँ, आखिर हुई कार हो है हीना परन। बगदौआ हंसता है जवाब देता है, कहते हैं कि तय गुस्साए के मस्को अथवा तय प्यार से मस्को, वो आवाज़ तेरी रहे, तेरी आवाज़ तो ही की सुनाई देत रहे, अगर तय प्यार से मस्कोगो तो हियाँ परन प्यार से आवाज़ सुनाई दे है और तय गुस्साए के मस्केगो तो वो गुस्से वालों आवाज़ तो ही की सुनाई दे है। ऐसी हमार जिंदगी है, जिंदगी में फिर ऐसी होत है, अगर अपन जिंदगी में गुस्सा हुई के चले तो जिंदगी गुस्से हानि होत है अथवा जिंदगी में कभी फिर गुना बढ़ पाते हैं, और अपन प्यार से जिंदगी के अपनाएं तो जिंदगी एकदम हंसी से और खुशी से कटता है जिंदगी। तो जिंदगी में हंसी खुशी होन के ताही आपन के अपने में अच्छो बनन पड़ता है, अगर अपन अपने में अच्छो हैं कहे से जिंदगी अपने आप अच्छी हो जात है। तो आपन के जिंदगी की मतलब समझन पड़ो, तो
ऐसे जे ही बात बाकी खेलत रहते हैं वो बच्चा की में कह की बुगदौआ कही होत है। अब ऊपर जात जात हैं जात जात हैं पहाड़ की चोटी में पुग जात हैं। हुआ जाए के बोलौड़ा बहुत जोर से कहत है मैं तो के गजब दुलार करता हूँ मैं तो के गजब प्यार करता हूँ करके चोटी में जाए के कहत है। काहे कि वो अपन जिंदगी के बारे में सोचत रहे ना था वो अपन जिंदगी के बहुत ज़्यादा प्यार करे और वह बात वो पहाड़ की चोटी में जाके कही और वो आवाज़ बक्कान में गूंजे। ऐसे करके तुम फिर अपन जिंदगी के अच्छो बनान के तानी अच्छो सोच लेके आगू बढ़न पड़ता है। अगर तुम अच्छो सोचेगे कहे से जिंदगी में अच्छो के सिवा कुछ ना हुई है। अगर तुम नेगेटिव सोचे तो जिंदगी हुए पर ख़त्म हो जाए है। आज की कहानी जहर है तुमके जा कहानी सुन के कैसो लगो सलाह सुझाव देन के तानी तरे कमेंट कर दियो लाइक शेयर कर दियो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करे हो कहे से यूट्यूब चैनल फिर सब्सक्राइब कर दियो करके कहन चाहत हूँ। आज की कहानी से तुम्हार जिंदगी में परिवर्तन आ हुई है करके फिर विश्वास है। जह विश्वास के संग आज के ताही मैं श्री सराना विदा हुआ था आन वालों शुक्रवार के इतने खिन 7 बजे एक नया कहानी लेके तुमर जो ने उपस्थित हो मंगो। अभी के ताही विदा होता हूँ SDG के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं श्री सराना विदा होता हूँ। राम राम। कार्यक्रम अच्छी सोच देखन के जिन भूलियो हर एक शुक्रवार 7 बजे से।